वेलकम टू आज क्या बनेगा। आज हम बना रहे हैं दही चटनी। ये चटनी बहुत ही फेमस है और ये चटनी चिकन टंगड़ी के साथ या फिर किसी भी वेजिटेरियन स्नैक्स के साथ सर्व की जाती है। मेरे व्यूअर्स की खास डिमांड पर मैंने ये चटनी बनाई है, तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो 100 ग्राम दही है, दही चटनी में दही तो पड़ेगा ही। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें डाल देंगे हरे धनिया की पत्ती, एक मुट्ठी हरा धनिया, ऐसे ही एक मुट्ठी पुदीना लेंगे। फ्रेश पुदीना होगा तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप सूखा हुआ पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से धोइएगा। फिर लेंगे 4 हरी मिर्च, इनको बीच में से तोड़ करके जार में डाल देंगे। तीखा कम खाने चाहते हैं तो एक हरी मिर्च काफ़ी रहेगी, तीखा बढ़ाना चाहें तो 4 मिर्च बहुत हैं। फिर डालते हैं 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, इस जीरे को मैंने तवे पर रख करके भून लिया है। आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच काला नमक डाल दिया है। काले नमक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप काला नमक पूरा का पूरा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, तो सफ़ेद नमक मत डालिएगा। अब डालेंगे 2-3 छोटे चम्मच जितना पानी, ताकि ये आराम से घूम जाए और इसका बढ़िया पेस्ट बन जाए। अब हम मिक्सी को घुमा करके ये पेस्ट बना लेंगे। ये हरी चटनी जो है आप एज ए हरी चटनी खा सकते हैं, अगर इसमें आप थोड़ा सा ओलिव ऑयल साथ में मिला करके तब ग्राइंड करें, और साथ ही साथ थोड़ा सिरका भी डाल दीजिएगा सिर्फ ग्रीन चटनी के लिए। लेकिन अभी हम हरी चटनी जो दही वाली है वो बना रहे हैं, तो इसमें हम मिला देंगे दही। दही बहुत पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने चटनी को पीसते हुए पानी मिलाया था, तो बहुत ज़्यादा पतली चटनी नहीं बनेगी अगर आप ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो। बाज़ार में ज़्यादातर पतली सी चटनी देते हैं, अगर गाढ़ी गाढ़ी चटनी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा फ्लेवर आता है, उसमें पानी का कच्चापन नहीं आता है। तो बढ़िया सी चटनी आप घर पर पे बनाइए, बना करके स्नैक्स के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी चटनी की पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक टिप मैं आपको देती हूँ कि चटनी बनाते समय दही को जार में मत पीसिएगा, उससे दही कर्डल कर सकती है, दही अगर ज़्यादा खट्टी होगी तो वो फट जाएगी, इसलिए अच्छी नहीं लगेगी। दही आप बाद में ही मिक्स कीजिए, कम ज़्यादा दही की जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।